हेलो दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे जॉन्स क्लेयर की बुक एटॉमिक हैबिट के बारे में। आज हम बात करेंगे द बेस्ट वे टू स्टार्ट न्यू हैबिट। 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने टूबीस के लिए 248 लोगों पर बेटर एक्सरसाइज हैबिट बिल्ड करने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट किया। फर्स्ट ग्रुप एक कंट्रोल ग्रुप था, जिन्हें बस ट्रैक करना था कि वो कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड ग्रुप एक मोटिवेशन ग्रुप था, उन्हें बोला गया था कि वो अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करें और एक्सरसाइज के ऊपर कुछ बुक्स भी रीड करें। इसके अलावा रिसर्चर्स ने उन्हें बोला था कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है और हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। लास्ट में थर्ड ग्रुप को सेकेंड ग्रुप की तरह ही सेम डेटा प्रेजेंट किया गया था, जिसका मतलब था कि उन्हें भी इक्वल लेवल की मोटिवेशन मिली। हालांकि उन्हें एक प्लान बनाने के लिए भी बोला गया था कि उन्हें कब और कहां एक्सरसाइज करनी है। अब इसे एक स्पेसिफिक वे में करने के लिए थर्ड ग्रुप के हर मेंबर ने लिखा, अगले नेक्स्ट वीक के अंदर मैं एटलीस्ट 20 मिनट की हार्ड एक्सरसाइज करूंगा। इस दिन और इस टाइम और इस जगह पर। तो आइए अब कंक्लूजन पे आते हैं। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में 35-38% ने वीक में एटलीस्ट एक बार वर्कआउट किया। एक्चुअल में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के लोगों पर मोटिवेशन प्रेजेंटेशन का कोई खास असर नहीं हुआ था, लेकिन थर्ड ग्रुप में 91% लोगों ने वीक में एक बार तो वर्कआउट किया। और जो सेंटेंस उन्होंने लिखे थे उन्हें रिसर्चर्स इम्प्लीमेशंस इंटेंशन बोलते हैं। एक प्लान जो आप पहले से बना कर रखते हो कि आप कब और कहां एक्शन लेंगे। कई रिसर्च ने प्रूव किया है कि इम्प्लीमेशंस इंटेंशन हमें अपने गोल से कनेक्ट रहने में हेल्प करते हैं। कई लोगों का कहना है कि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने गोल को लेकर क्लियर नहीं होते हैं। कब और कहां एक्ट करना है ये ऑब्वियस नहीं होता, लेकिन बिहेवियर का फर्स्ट लॉ है इसे ऑब्वियस बनाना। ऑब्वियस होना एक प्रैक्टिकल तरीका है ताकि आपको अपनी हैबिट्स के लिए क्लियर क्यूज मिल सके और आप एक प्लान डिजाइन कर सके कि कब और कहां एक्ट करना है। आइए अब जानते हैं, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी कैरियर फिजिशियन एन.ए. थॉर्नडाइक को क्रेजी आइडिया आया। उसे लगता था कि वे हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को बेटर बना सकती है, वो भी उनका मोटिवेशन चेंज किए बिना या उनके बगैर किसी डिस्कशन के। उसने अपने कली के साथ मिलकर हॉस्पिटल की कैफेटेरिया का चॉइस आर्किटेक्चर चेंज करने के लिए एक 6 मंथ स्टडी कंडक्ट की। उससे पहले तो उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ
ट्रिक्स चेंज किए, रेफ्रिजरेटर कैश रजिस्टर के पास रखे थे और उनमें सिर्फ सोडा रखा हुआ था। उन्होंने सोडा के बदले वाटर बॉटल्स रखवा दी। सिर्फ रेफ्रिजरेटर में ही नहीं बल्कि रूम के फूड स्टेशन में भी। सोडा अभी भी मेन रेफ्रिजरेटर में था, लेकिन वाटर अब सब जगह अवेलेबल था। अगले 3 मंथ्स में सोडा की सेल 11.4% तक डिक्लाइन हो गई थी, जबकि वाटर बोतल की सेल 25.8% इंक्रीज हो गई थी। इसी तरह के चेंजेस कैफेटेरिया के फूड स्टेशन में भी किए गए और यहाँ भी उन्हें सेम रिजल्ट्स मिले, लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं किया। अक्सर लोग चीज़ें इसीलिए नहीं लेते या खाते कि उन्हें वही चीज़ चाहिए, बल्कि उनका लेना या खाना डिपेंड करता है कि वो चीज़ रखी कहाँ है। मान लो आप किचन में गए, वहाँ आपको एक प्लेट कुकीज़ मिल जाती है, तो आप तुरंत कुकीज़ को खाने बैठ जाओगे। आप इसीलिए नहीं खा रहे हैं कि आपको भूख लगी है, बल्कि आपको कुकीज़ दिख गई तो आपको खाने का मन कर गया। हमारी हैबिट्स भी इसी तरह चेंज हो जाती है, बस डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो और आपके सामने क्या क्यूज़ है। ह्यूमन बिहेवियर फॉर्म करने में इन्वायरमेंट का इनविजिबल हाथ माना जाता है। चाहे हमारी पर्सनालिटीज कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो, कुछ बिहेवियर खुद ब खुद हमारे इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से भी बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं और काम करते हैं हमें कुछ स्पेसिफिक एक्शन लेने से रोक देता है, क्योंकि बिहेवियर को ट्रिगर करने का कोई ऑब्वियस क्यू होना ज़रूरी है। आप किसी हैबिट्स को अपनी लाइफ का मेन पार्ट बनाना चाहते हो तो क्यू को अपने इन्वायरमेंट का मेन पार्ट बनाओ। धन्यवाद।